गली अच्छी लगी। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة للعالمين ومحب الفقراء والمساكين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد میرے دینی بہنوں اور بھائیوں معزز سامعین یہ ایک حقیقت ہے کہ تصوف اور شریعت دو جدا موضوعات ہیں علم تصوف کسی اور چیز سے بحث کرتا ہے اور علم شریعت کسی اور چیز سے لیکن دونوں موضوعات کا ایک دوسرے سے نہایت گہرا تعلق ہے جہاں تصوف پایا جائے گا وہاں یقیناً شریعت پائی جائے گی اور جہاں شریعت پائی جائے گی وہاں تصوف کا پایا جانا ضروری نہیں ہے بالفاظ دیگر جو صوفی ہوگا وہ شریعت کا عالم ضرور ہوگا اور جو شریعت کا عالم ہوگا اس کا صوفی ہونا ضروری نہیں ہے میں اپنے اس نظریے کی تائید میں آپ حضرات سے غور و فکر کی گزارش کروں گا کہ اسلامی تاریخ میں بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں جن کو ہم اہل اللہ اور تصوف کے ماہر اور تصوف کے ملجا و ماوا سمجھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ صوفی کا لفظ ان کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے آپ نے ان کی ان ہستیوں کی زندگی پڑھی ہوگی ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ پہلے شریعت کو مکمل کیا کرتے تھے شریعت کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو شریعت کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس کی پابندی کریں اور اس کے بعد وہ تصوف کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے یا سکھاتے یا اس کی پریکٹس کرتے تھے تو آپ نے یہ بھی پڑھا اور دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ اس 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اسلامی علماء جن کو ہم علماء کہتے ہیں گزرے لیکن ان میں سے ہر عالم صوفی نہیں تھا وہ عالم شریعت ضرور تھا لیکن تصوف سے دور تھا اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے پہلے دونوں موضوعات پر علیحدہ علیحدہ ایک طائرانہ نظر ڈالیں عنوان میرا تصوف اور شریعت یہ عنوان دیا گیا مجھے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ عنوان میں تصوف کا ذکر پہلے اور شریعت کا بعد کو کیا گیا اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ تصوف شریعت پر مقدم ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت تصوف پر مقدم ہے لیکن ہم اپنی تعبیر میں ادائیگی میں جس چیز کو اہمیت دینا ہو جس چیز کو
जिस चीज़ पर रोशनी डालना हो उसको इब्तिदा में ज़िक्र करते हैं ताकि सुनने वाले के लिए जहन में उसकी ये चीज़ मरकूज रहे कि आज हम इस मौजू पर या इसकी अहमियत पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्वान की वजह से आप हजरात धोखा न खाएं कि तसव्वुफ़ को शरीयत पर मुकदम कर दिया गया, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम पहले ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि शरीयत की क्या तारीफ़ है, फिर उसके बाद हम तसव्वुफ़ से बहस करेंगे। मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, शरीयत अल्लाह और रसूलुल्लाह के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुभानहु व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अहकाम का नाम शरीयत है जो बंदों के लिए भेजे गए और जिनका ताल्लुक अकायद, इबादात और मुआमलात से है। आप इसको जहन नशीन रखें, अकायद, इबादात और मुआमलात, इन्हीं अहकाम के ज़बान से इकरार करने और दिल से तस्दीक करने का नाम इस्लाम है और ऐसा न करने वाला काफिर कहलाता है। मैं जब ये मालूमात जमा कर रहा था, किताबों का मुताला कर रहा था कि मैं इस मौजू का हक अदा कर सकूं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, सख्त एहसास है कि मैं इस मौजू का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। मेरे पेशरो मुकर्रर ने आपसे कहा कि तसव्वुफ़ के लिए उम्र चाहिए। यकीनन प्रैक्टिस या नज़रियात को अमली जामा पहनाना एक वक्त तलब काम है, लेकिन उसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। समझने के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक आध घंटे या एक आध नशिस्त में सारा तसव्वुफ़, इल्म तसव्वुफ़ पूरा समझ में आ जाए, उसके लिए भी वक्त चाहिए। लेकिन चूंकि ये महफिल मिलाद रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए हम उसका एहतराम करते हुए इस मौजू में ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं कर पाएंगे। और बार बार हमें इस बात का एहसास सताता है कि यह महफिल रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और हर कदम पर, हर लम्हा हमको आज उनकी याद मनाना है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने अभी कहा इन्हीं अहकाम के ज़बान से इकरार करने और दिल से तस्दीक करने का नाम इस्लाम है और ऐसा न करने वाला काफिर कहलाता है। आप हर उस ज़रूरी चीज़ को अपने जहन में रख लीजिए कि जिसका इल्म और जिसकी तस्दीक करना दिल से और जिसका इकरार करना ज़बान से इस्लाम में दाखिल होने के लिए ज़रूरी है। हम ये समझते हैं, हमारा ख़्याल है कि ईमान मुजमल और मुफस्सल दोनों मिलाकर जितनी चीज़ों का ज़िक्र किया गया, न उससे ज़्यादा न उससे कम हम गवारा कर सकते हैं कि इस्लाम हो सकता है। लेकिन ये एक सतही नज़रिया है, सतही नज़रिया है। अगर तफसील और उमक में, गहराई में जाएं, तो उलमाए किराम की आरा से आप मुत्तफिक होंगे और उनको तस्लीम करना पड़ेगा आपको। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस्लाम में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ दिल और दिमाग से है, और चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे आज़ा व जवारेह से है। जिनका ताल्लुक़ आपके दिल और दिमाग से है हम उनको अकायद कहते हैं या ईमान कहते हैं, और जिनका ताल्लुक़ आज़ा व जवारेह से है हम उनको इबादत कहते हैं। तो इस्लाम के लिए यह शर्त है, इस्लाम में दाखिल होने के लिए शर्त है कि हम कलमाए शहादत पढ़ें। मेरे अल्फाज पर आप गौर करें, मैंने कलमा तैयबा नहीं कहा, पहला कलमा नहीं कहा,
कलमा शहादत पढ़ें। फुकहाए किराम ने लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक स्टेटमेंट हो सकता है, इसमें दलील नहीं कि आपने इस पर इकरार किया, इसकी तस्दीक की। इसलिए अशहदु का लफ्ज़ ज़रूरी है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदा और अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाही का लफ्ज़ ज़रूरी है, इससे इंसान कसर इस्लाम में दाखिल हो जाता है यकीनन, लेकिन ये नाकाफी है मुसलमान होने के लिए। अगर किसी भी इस कलमे के नुत्क या इकरार और तस्दीक के बाद अगर किसी भी ज़रूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, बेईमाना के इनकार किया गया, तो वो शख्स खारिज इस्लाम हो सकता है। तो हम हर उस शख्स को मुसलमान नहीं कह सकते कि जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहता हो, बल्कि ये ज़रूरी है मुसलमान बनने के लिए कि हर वो चीज़ जिसको ज़रूरी तौर पर इस्लाम का जुज़ करार दिया गया है उसका इकरार हो और दिल से उसकी तस्दीक हो। चुनांचे इसीलिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, हम जिनको अपना मोहसिन समझते हैं, उलमाए अहले सुन्नत ने उनको खारिज इस्लाम कहा, बावजूद है कि वो कलमा गो थे, बावजूद है कि वो हमसे ज्यादा नमाज और रोजा के पाबंद थे, लेकिन जरूरी अहकाम की खिलाफ वर्जी और इनकार की वजह से, किसी भी एक जरूरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से या उसके इनकार की वजह से उनको खारिज इस्लाम तसव्वुर किया गया। मिसाल के तौर पर जन्नत और दोजख का इनकार, हूर और गिलमान का इनकार, फरिश्तों का इनकार, बावजूद है कि आप नमाज पढ़ें, शहादतें पढ़ें, रोजे रखें, ज़कात दें, हज करें, लेकिन आप खारिज इस्लाम कहलाएंगे, इसलिए कि जो इस्लाम में साबित है और फ़र्ज है उसका एतकाद रखना ज़रूरी है, इकरार करना ज़रूरी है, तस्दीक करना ज़रूरी है, उसका इनकार आपको खारिज इस्लाम कर देता है। मुझे अपने लिखे हुए की तशरीह करने के लिए कुछ थोड़ा रास्ते में रुक कर आपके पास, यहाँ पर रास्तों में रेस्ट एरियाज होते हैं, उसी तरह मैं ज़रा रेस्ट एरिया में जाकर रास्ते से हटकर मैं कुछ तशरीह करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, शरीयत ये है, शरीयत इसी का नाम है कि जो अहकाम अल्लाह और उसके रसूल से हमको मिले हैं, जिनका इकरार करना ज़बान से और तस्दीक करना हमारे लिए ज़रूरी है, उसका नाम शरीयत है। मुझे लफ्ज़ अदा करते हुए भी ज़रा तवक्कुफ़ हो रहा है, तसव्वुफ़, अल्लाहु अकबर। जहाँ तक तसव्वुफ़ का ताल्लुक है तो वो तज़किया नफ्स, तज़किया क़ल्ब और तज़किया नियत का नाम है। आप गौर से सुने, यानि नफ्स को किस तरह, यानि नफ्स क़ल्ब और नियत की सफाई और पाकिजगी का नाम है। इसके अलावा तसव्वुफ़ आदाब से बहस करता है, यानि नफ्स को किस तरह मुअद्दब बनाना चाहिए। लिहाजा जो आदाब से वाकिफ नहीं वो तसव्वुफ़ से वाकिफ नहीं, यानि बाल्फाज दिगर जो मुअद्दब नहीं वो सूफी नहीं। इसी तरह तसव्वुफ़ नाम है नफ्स से खसाइल ज़मीमा, यानि बुरी सिफतों या बुरी आदतों को मिटाकर उनकी जगह खसाइल हमीदा या आदात नफीसा से पुर करना। जो जगह खाली हो गई, आपने खसलतें मिटा दी, बुरी आदतें मिटा दी, तो अब जगह खाली हो गई, उस जगह को आप खसाइल हमीदा से पुर करें और उसको अपनाएं। इसीलिए शायद मेरे बुज़ुर्ग साहब मुकर्रर ने आपसे कहा कि तसव्वुफ़ के लिए उम्र चाहिए, इस वजह से चाहिए कि इन आदतों को मिटाना, बुरी आदतों को मिटाना पहले बहुत बड़ा काम है, और उसके बाद उस खाली जगह पर खसाइल हमीदा को उनसे पुर करना, खसाइल हमीदा को सब्द करना, रासिक करना, यह उससे ज्यादा अहम काम है और बड़ा काम है, इसीलिए उम्र चाहिए। लिहाजा जिसने
अपने नफ्स से खसाइल जमीमा को नहीं मिटाया, बुरी खसलतों बुरी आदतों को नहीं मिटाया और उनके बजाय खसाइल हमीदा को बेहतरीन उम्दा खसलतों और सिफतों को बेहतरीन आदतों को नहीं अपनाया, वो सूफी नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी दीनी बहनों और भाइयों, मैं अगर कुछ मुस्तलहात आपकी खिदमत में टर्मिनोलॉजी पेश करूं तो आप खफा न होइएगा मुझ पर। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं उनका क्या मकाम था इस्लाम में और क्या मकाम है। अपनी मशहूर तफसीर मफातीहुल गैब या अत्तफसीरुल कबीर, दोनों नामों से वो मशहूर है। इस तफसीर में सूरह फातिहा की तफसीर करते हुए इमाम राजी ने लिखा है कि इय्याक नअबुदु शरीयत है, इय्याक नस्तईन तरीकत है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हकीकत है। आप गौर से सुने और जहन में महफूज रखें, इस वक्त जहन में सवालात पैदा ना करें बल्कि सिर्फ समझने की कोशिश करें। मैं दोहराता हूं, इय्याक नअबुदु शरीयत है, इय्याक नस्तईन तरीकत है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हकीकत है। इमाम राजी के इस कौल से तरीकत और हकीकत के फर्क को नजरअंदाज करके थोड़े से लम्हे के लिए तरीकत और हकीकत के फर्क को नजरअंदाज करके यह नतीजा अख्ज किया जा सकता है कि सिर्फ इबादत कर लेना शरीयत है और अपनी जिल्लत खारी इज्जो इंतसारी और बेमायगी के एतराफ के साथ इबादत करना तसव्वुफ है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको याद होगा कि एक नमाज हमारी है, हमारी एक नमाज है कि फोन की घंटी जब बजती है तो हमारे ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, हम कहते हैं काश नमाज ना पढ़ते तो फोन रिसीव कर लेते। एक नमाज अहलुल्लाह की होती है जिनके इमाम रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी चहीते दामाद और आपके तायाजाद भाई सैयदना अली इब्न अबी तालिब की नमाज थी। आपको याद होगा, आप सब लोग जानते होंगे कि एक मर्तबा किसी जंग में हजरत सैयदना अली के जिस्म में एक तीर फंस गया, आके लगा और फंस गया। लोग निकालने की कोशिश करने लगे, आप दर्द से तड़प उठे और इजाजत न दी निकालने की। आखिर में तंग आकर आपने मशवरा दिया कि जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो ये तीर निकाल लेना। मैं जब नमाज पढ़ने लगूं तो ये तीर निकाल लेना। और ऐसा ही हुआ, आपने नमाज के लिए रकात बांधी अल्लाहु अकबर के साथ, लोगों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तीर निकालने वालों ने उसको आपके जिस्म को काट कूट कर तीर निकाल लिया, लेकिन आपकी नमाज में कोई एहसास नहीं हुआ आपको कि मेरे जिस्म से तीर निकाला गया, हालांकि नमाज से पहले आप दर्द से तड़प उठ रहे थे, बेचैन और इतना कर्ब का आलम था कि आपने इजाजत नहीं दी तीर निकालने की। तो एक ही नमाज है मेरे दोस्तों, इस नमाज का नाम औलिया अख्ताब और हकीकी नमाज है कि इस नमाज में इंसान अपने आप को अपने खालिक और मालिक के सामने समझ रहा है और दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक हो चुका है, हत्ता कि अपने नफ्स से बेताल्लुक हो चुका है। ये मैं हजरत इमाम राजी की तफसीर से एक 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 नजरिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। हजरत इमाम राजी के बाद जिन्होंने शरीयत और तरीकत और हकीकत का हमको खुलासा पेश किया या उसकी तारीफ बयान की, इस छोटे से वक्त में मैं आपको सारे या बेशतर सूफिया किराम के अकवाल पेश नहीं कर सकता, लेकिन हजरत गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तरफ में
आपको ले चलता हूं। कुतुबुल अख्ताब, गौसे आजम, अल गौसुस समदानी, अल बहरुल हक्कानी, सईदी शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाही अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब के मकाला नंबर 75 में तसव्वुफ की तारीफ कुछ इस तरह फरमाई, आप गौर से सुने। तसव्वुफ कीलो काल यानी जबानी जमा खर्च से माखूज नहीं है, आप फरमाते हैं, बल्कि उसका माखज भूख है। इसका मतलब समझ जाना, इसकी मुखालिफ चीज की इसमें मजम्मत हो रही है, इनकार हो रहा है। यानी पेट भरा रहने का नाम तसव्वुफ नहीं है। पेट जब भरा रहता है तो इंसान बकबक करता रहता है। पेट खाली रखने का नाम तसव्वुफ, इसका माखस भूख है यानी रियाजत करना है। अपनी ख्वाहिश को, जो खाना खाने की इंसानी ख्वाहिश है, जिस्म का एक तकाजा है, उस पर कंट्रोल करना है। और आगे चलकर फरमाते हैं, उन अशिया का तर्क करना है जिनके हम आदी हो चुके हैं और जिनको हम अच्छा समझते हैं। उसकी इब्तदा इल्म से और मेहरबानी के इजहार से होती है, आप फरमाते हैं, इसलिए कि जब नफ्स को इल्म से वहशत होने लगती है तो लुत्फ व मेहरबानी उसकी मुनिस व गमखार बनती है और उसका दिल बहलाती है। आप आगे चलकर फरमाते हैं, तसव्वुफ की बुनियाद 8 खसलतों पर है, जो ये हैं, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सखावत, सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की रिदा यानी राजी बकज़ाए इलाही रहना, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का इशारा यानी इशारे से बात करना, खामोशी इख्तियार करना, बकवास न करना, ज़्यादा बातचीत न करना, खामोशी इख्तियार करना, समत और खामोशी, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम की गुरबत यानी गरीबुल वतनी, अपने वतन में रहकर भी अपने आप को गरीबुल वतन समझना, इसलिए कि इंसान जब गरीबुल वतन रहता है तो वो माल जमा करने की कोशिश नहीं करता, वो इतना ही अपना साथ रखने की कोशिश करता है जिसका उठाना और सफर पर जाना उसके लिए हल्का और आरामदेह हो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का सूफ, आपने सूफ का लफ्ज इस्तेमाल किया और मैं भी इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं आप हजरात से माफी का खास्तगार हूं कि ये टर्मिनोलॉजी को इसी तरह समझना और इसी तरह उसको यूज करना चाहिए। सूफ से मुराद यहाँ पर मोटे ढाटे कपड़े हैं कि जो दौलतमंद हजरात अपने लिए नामुनासिब समझते हैं, अपने कसरशान समझते हैं, तो उस नफ्स को तोड़ने के लिए मोटे ढाटे कपड़े पहनना जरूरी है कि नफ्स पर इंसान को कंट्रोल हो सके, कुदरत पा सके, काबू पा सके। अगर नफ्स पर काबू नहीं पाया तो वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता और ख़ास तौर पर इस मैदान का वो शहसवार नहीं बन सकता। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सियाहत, और सियाहत में क्या राज है, अरबी का मकूला है, असफ़र वसीलतु ज़फ़र, सफ़र कामयाबी का एक वसीला, एक ज़रिया है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मुसाफिर के साथ माल और दौलत ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादा वो अपनी पीठ पर अपने कंधों पर बोझ उठाना नहीं चाहता, इतना ही बोझ अपने साथ लेता है जितना वो तनहा उठा सकता हो। और दूसरे हम अकसाम के इंसानों से मुलाकात ये सफ़र में होती है, और इंसान को जब हम अकसाम के इंसानों से मुलाकात होती है तो उसमें अगर कोई आपके साथ खंदक पेशानी से मिलता है तो दूसरा तुशरोई से मिलता है, कोई आपका खुशामदेद करता है तो दूसरा आपको रिफ्यूज़ करता है और लामरहब अंबिका कहता है। तो ये सारी चीज़ों का सामना करने की वजह से इंसान को सब्र और तहम्मुल पैदा होता है, और ये नफ्स के लिए ज़रूरी है। आखिर में फरमाते हैं, सैयदना व नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कीरी यानि फ़क्र व फाके की ज़िंदगी और इशरो आयश व इशरत से दूरी। ये 8 खिसाल, ये 8 सिफतें
حضرت پیر دستگیر شیخ محی الدین عبدالقاہر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے لیے ضروری اور صوفی کے لیے ضروری لکھا ہے. شریعت اور تصوف کے فرق کو ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے میں صرف ایک واقعے پر اکتفا کرتا ہوں اور پھر اس مسئلے پر انشاءاللہ ہم سب غور کریں گے کہ تصوف کی مخالفت کیوں کی گئی اور وہ بدنام کیوں ہوا. میرے دوستو اور بزرگو, اس واقعے کو نہایت غور سے سنیے. صوفی علماء کی ایک جماعت تھی جن سے لوگ مسئلے مسائل پوچھا کرتے اور اس پر اعتماد کیا کرتے تھے. دھیرے دھیرے یہ جماعت مقبول عام ہوتی گئی, لیکن حاکم وقت کے متعین کردہ ذمہ دار علماء کو یہ بات بھلی نہ لگی, اور یہ وہ علماء تھے جن کی رائے اور مشورے کی بنیاد پر عدالتوں میں فیصلے ہوا کرتے تھے. ان علماء ظاہر نے چند مسائل جمع کیے اور مذکورہ صوفی علماء کے جوابات عوام الناس سے حاصل کر کے حاکم وقت کے سامنے اپنا یہ فیصلہ پیش کیا کہ یہ جماعت مرتد ہے اور شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے, لہٰذا ان صوفیوں کو قتل کیا جانا چاہیے ورنہ عوام الناس میں ان کی وجہ سے گمراہی پھیل جائے گی. یہ ان مسائل میں جن کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان پر ارتداد کا حکم لگایا تھا, ایک مسئلہ یہ بھی تھا. کیا مسئلہ تھا؟ ان سے کسی نے پوچھا, صوفی حضرات سے, کہ اگر کسی کے پاس 40 دینار سرخ اشرفی گولڈن کوائن کسی کے پاس 40 دینار ہوں تو وہ زکات کتنی ادا کرے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 42 دینار زکات ادا کرنی چاہیے. آپ بھی خود تعجب کریں گے اس جواب پر, حالانکہ شریعت میں 40 کی زکات صرف 1 دینار, 40 کی 1 ہوتی ہے اور 100 پر 2.5%, تو 40 دینار کی 1 دینار زکات ہوئی. انہوں نے اس مسئلے کو بھی ان مسائل میں شامل کیا جس کی بنیاد پر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا. چونکہ حاکم ان علماء پر اعتماد کرتا تھا, اس لیے قتل کے فیصلے پر اس نے اپنے دستخط بھی ثبت کر دیے. مقررہ تاریخ پر ان صوفی علماء کی جماعت کو مخصوص جگہ پر لایا گیا جہاں ان کے جرم اور اس کی بنیاد پر سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا. فیصلہ سننے کے بعد اس جماعت کا ہر فرد, آپ غور سے سنیں اس بات کو, فیصلہ سننے کے بعد اس جماعت کا, صوفی علماء کی جماعت کا ہر فرد یہ کوشش کرنے لگا کہ اس کو اس کے ساتھیوں سے پہلے قتل کیا جائے. ہر شخص اس کوشش میں تھا کہ مجھے پہلے قتل کر دیا جائے. ہر شخص بڑھ بڑھ کر اپنی گردن پیش کر رہا تھا کہ فیصلہ قتل کا تو ہو چکا, اب ساری جماعت کی جماعت کو ایک ساتھ قتل نہیں کیا جاتا بلکہ باری باری سے قتل کیا جائے گا. تو ان میں سے ہر فرد یہ کوشش کر رہا تھا کہ مجھے پہلے قتل کیا جائے. چونکہ حاکم وقت فیصلہ سناتے وقت موجود رہا کرتا تھا, اس زمانے کا یہ قرینہ اور عادت تھی, اس لیے اس نے صوفی علماء کے اس فعل پر سخت تعجب کا اظہار کیا اور سزائے موت کے نافذ کیے جانے سے قبل ان سے بالمشافہ ملاقات کا فیصلہ کیا. اس نے ان صوفی علماء سے پوچھا کہ 40 دینار کی زکات 42 دینار آپ نے تجویز کی ہے, بفرض محال 40 دینار کی 40 ہی دینار زکات مان لی بھی جائے تب بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ 40 پر 2 کا اضافہ کہاں سے ہوا. اس نے 40 جمع کیا اور آپ 42 دینار زکات کہہ رہے ہیں, یہ 2 کا اضافہ کیسے ہوا؟ انہوں نے جواباً کہا کہ 40 دینار تو زکات کے اور 2 دینار سزا کے ہیں کہ اس نے خلق خدا کو محروم رکھ کر جمع کیسے کیا. میرے دوستو بزرگو, حاکم وقت نے ان کا یہ جواب سن کر اپنے قتل کے فیصلے کو منسوخ کر کے ان کو حکم دیا کہ آپ میری مملکت میں جہاں جائیں آپ کو اجازت ہے, اور آپ کو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ شریعت کے احکام اپنی مخلوق خلق خدا پر ظاہر کرتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں. میں اس واقعے سے حاشا و کلا, حاشا و کلا ثم حاشا و کلا شریعت کی مذمت نہیں کر سکتا. میرا مقصد یہ نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ شریعت کچھ اور چیز ہے, تصوف کچھ اور چیز ہے. شریعت ایک قانون ہے اور تصوف انسان کے نفس کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہے.
उसको मुअद्दब बनाना है, उसको आदाब सिखाना है, उसको पाकीज़ा करना है, उसको गंदगियों को मिटाकर, बुरी आदतों को मिटाकर उसकी जगह अच्छी आदतों को और पाकीज़गी को अपनाने का नाम तसव्वुफ़ है। इतना मालूम करने के बाद, शायद मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, दो चार मिनट और लूँगा आप हजरात के, और इन दो चार मिनट में ये कोशिश करूँगा दो तीन मसाइल बयान करने की कि तसव्वुफ़ की मुखालफत क्यों की गई और वो बदनाम क्यों हुआ। नंबर एक बात, तो आप हजरात इस मसले से वाकिफ हैं कि एक बहुत अहम मसला तसव्वुफ़ का है, वहदतुल वजूद। मैं इसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहता, ये अवामुन्नास का मसला नहीं है, ये अवामुन्नास का मसला नहीं है, इसमें बड़े बड़े उलमा इन्वॉल्व हैं और इजहार ख्याल किया है, और इस मसले के रिसर्च के वक्त, बहस व तमहीज़ के वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी शख्सियत जो हमारे तस्वूर के पर्दे पर जाहिर होती है वो हज़रत मुहिद्दीन इब्ने अरबी का नाम नामी है, जिनकी किताब पर बड़े मारकतुल आरा मुनाजरे हुए और दोनों तरफ के फरीकों ने एक दूसरे को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमको इस मसले से दूर रहना चाहिए और ये बहुत ख़तरनाक नहायत ही ख़तरनाक मौजू है कि अगर इसको हम सही तौर पर उसका हक अदा न करते हुए उसमें रिसर्च किया और अपनी राय दी तो मुझे शक है कि हम कामयाब हो सकेंगे अपनी ज़िंदगी में और अपने आमाल को अल्लाह ताला के सामने कबूल करवाने, पेश करके कबूल करवाने में कामयाब हो सकेंगे। नंबर दो, माफ़ कीजिए, नाअहल और जाहिलों का ख़ुद को सूफ़ी ज़ाहिर करना एक बहुत बड़ा सबब है कि तसव्वुफ़ बदनाम हुआ और सूफ़िया किराम बदनाम हुए, और वजह यह रही कि अहलुल्लाह जो भी गुजरे हैं उनके जानशीन महज उनकी औलाद या उनके किसी को अपना जानशीन न बनाने की वजह से उनके जानशीन बन गए। अब उन हजरात में जो सिफतें मौजूद थी इनमें मौजूद नहीं हैं, नहीं थी या नहीं हैं, इस वजह से तसव्वुफ़ बदनाम हुआ। बड़ी शख्सियतें जो तसव्वुफ़ की गुजरी हैं उनमें से हर शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद और पाबंद रहा कि शरीयत पर पहले अमल हो और तसव्वुफ़ पर बाद में, तरीक़त पर बाद में। चुनाचे एक मुख्तसर सा वाक़िया आपकी खिदमत पेश करूँ, बिल्कुल छोटा सा। हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद, आपकी आदत थी कि आप जब मुराकबे में तशरीफ़ ले जाते तो आप तन्हा होते और आपके सामने पत्थर, दो पत्थर रखे जाते और हुक्म था आपके खादिमों को आपकी जानिब से कि जब अजान हो जाए, नमाज का वक्त आ जाए, अजान हो जाए तो मुझे जगा देना। चुनाचे आपके मखसूस खादिम आपको पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से आवाज़ दिया करते थे कि अजान हो चुकी, नमाज का वक्त हो रहा है। इस किस्म के अल्फाज से वो हजरत ख्वाजा साहब को, गरीब नमाज को जगाया करते थे। और मैंने पढ़ा है और मेरे असातिज़ा से सुना है कि वो जब बेदार होते थे, अपने मुराकबे से वापस आते थे तो आपकी जबान पर यह कलमा होता, मरा शरीयत गर्राए मुस्तफ़वी कुजावुर्दी, मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बरगुजीदा शरीयत ने कहां खींच लाया, और आपकी निगाह उन पत्थरों पर पड़ती जो आपके सामने दो चट्टानों की सूरत में रखे होते थे, और उलमाए किराम और उनकी सीरत में लिखा है कि जब भी आपकी नजर मुराकबे के बाद उन चट्टानों पर पड़ती तो वह चट्टान राख बन जाते। इसी वजह से खादिमों को हुक्म नहीं था कि वो सामने से आके जगाएं, कहीं आपकी निगाह उन पर न पड़ जाए और वो उसके शिकार न हो जाएं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वाकये में दलील है इस बात की कि तसव्वुफ़ का मकाम शरीयत के बाद का मकाम है, और जितना ही बुलंद दर्जा, कितना ही बुलंद दर्जा क्यों न हो, उस अहलुल्लाह का, उस फर्द का और वो उस इंसान का
वो किस मकाम पर क्यों न हो, जब शरीयत की अजान होगी तो उस बुलंद मकाम से भी उसको इस जमीन पर आकर शरीयत की पाबंदी करना होगा और वो मजबूर होगा, वरना वो उस बुलंद जगह से असफल उस साफिलीन में फेंक दिया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक तीसरी वजह इसमें तसव्वुफ की मुखालफत की यह है, मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं माफ़ चाहता हूँ, कि जो हजरात मुखालफत करते हैं वो तसव्वुफ से लाइल्म है, जो हजरात तसव्वुफ की मुखालफत करते हैं वो तसव्वुफ से लाइल्म है। और ये मशहूर बात है, अल जहल अदुवुल इल्म, जहल नादानी दानिश्वरी की दुश्मन होती है। जो लोग तसव्वुफ से दुश्मनी करते हैं वो तसव्वुफ से लाइल्म है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उन तक सही मालूमात पहुँचाएँ, उनके सामने सही नमूने रखें और मुख्तलफी मसाइल से अपने आप को दूर रखें। और क्या ही बेहतर है कि हम शरीयत की पाबंदी तसव्वुफ के बताए हुए उसूलों पर करें, ताकि हम इस दुनिया में भी पाक साफ रहें और अल्लाह के पास भी अपने आमाल को पाक साफ सूरत में पेश कर सकें। और ये ज़रूरत है इस बात की कि हम किसी न किसी मर्द कामिल से हाथ पर बैत करें और उसके सामने अपने आप को पामाल करें। हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया, बातों को छोड़ दो, अमल के मैदान में कूद आओ और किसी मर्द कामिल के सामने अपने आप को फना कर दो, कुर्बान कर दो अपनी जान को, तब तुम कामयाब हो सकोगे। मैं अपनी तकरीर इसी पर खत्म करता हूं, लेकिन मैं यहाँ से हट नहीं सकता जब तक कि मैं दोबारा अपने आप को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रुजू ना करूं। हजरत हसन इब्न साबित ने फरमाया, वो अजमल मिनका लम तरा कत आईनी وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء। मेरी आंख ने आपसे खूबसूरत किसी को नहीं देखा और आपसे हसीन किसी औरत ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। जिसकी तारीफ उसका खालिक करता हो, वरफअना लक ज़िक्रक वइन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम, उसकी तारीफ हम क्या कर सकेंगे। परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है कि हमें इस नामवर हस्ती की, तेरे महबूब की उम्मत में हमें पैदा किया और उनको हमारे लिए हदीयतन मोहताज मोहदातन हमारे लिए हदिया बनाकर तोहफा बनाकर भेजा। यकीनन हम काबिल फख्र हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। परवरदिगार आलम तेरा एहसान है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله। السلام عليك يا إمام المتقين। الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين। الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين। الصلاة والسلام عليك وعلى إخوانك من الأنبياء والمرسلين। الصلاة والسلام عليك وعلى أصحابك وأهل بيتك ومن تبعك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। مرحبا سيدي مكي مدني
मक्की मदनीयुल अरबी दिलो जांबाद फिदायत चे अजब खुश लकबी दिलो जांबाद फिदायत चे अजब खुश लकबी मने बे दिली बाप जमाले तो अजब हैरानम मने बे जब हैरानम अल्लाह अल्लाचे जमालस्त बदी बुल अजबी अल्लाह अल्लाचे जमालस्त बदी बुल अजबी चश्मे रहमती बकुशा सुए मनंदाज नजर चश्मे रहमती सुए मनंदाज नजर ए कुरैशी लकबो हाशमियों मुतलबी ए कुरैशी लकबो हाशमियों मुतलबी